حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साहबजादा मोहम्मद जुबैर साबरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों रूहानियत हासिल करने का मैं एक ऐसा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपने कभी YouTube पर भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिससे मुकम्मल रूहानियत हासिल हो सके। ठीक है दोस्तों, रूहानियत है क्या? रूहानियत वो चीज़ है जिससे इंसान का कलब रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाए। ठीक है, इंसान का कलब पाक हो जाए उसको रूहानियत कहते हैं। ठीक है, तमाम गुनाहों से साफ हो जाए, तमाम उसकी रूह जो है गंदगी और गुनाहों से मैली है वो पाक हो जाए, उसके अंदर रूहानियत पैदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये कलमा शरीफ का अमल है। ठीक है, इसकी 7 मनाजिल आपने तय करनी है, 7 मनाजिल, और हर मनाजिल की अपनी अपनी नियत है। जिस तरह इंसान नमाज की नियत करके नमाज शुरू करता है, इस तरह इस अमल की 7 मनाजिल हैं और 7ों मनाजिल की अपनी अपनी इलैहदा नियत है। वो नियत करके आपने मंजिल स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, आप यकीन करो, आप अगर ये अमल कर लेंगे तो आप तमाम गमों से भरी हो जाएंगे। आप आजमा के देख लें कि कलमा शरीफ अफजल जिक्र, सबसे अफजल जिक्र है, और आप ये अमल करके देखें और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई है। ठीक है दोस्तों, आपका जिस्म, दिल और दिमाग जितना भी गुनाहों से भरा हुआ है वो इस अमल की पावर और बरकत से तमाम जंग उतर जाएगी। आपने सुना होगा अक्सर कि हर चीज़ का जंग उतारने के लिए एक केमिकल होता है, दवाई होती है, लेकिन दिल का जंग उतारने के लिए कलमा है तैयबा। दोस्तों और ये हकीकत है, आप यकीन करो कि अगर आपका दिल जंग आलूदा हो चुका है तो आप इस कलमा शरीफ का विर्द बना लो, आप यकीन करो कुछ दिनों तक आप सुकून महसूस करेंगे। ठीक है, और जिसने ये रूहानियत वाला अमल कर लिया, आप यकीन करो, वैसे लोग कहते हैं कि इंसान के पास कम से कम 1,00,000 कलमा शरीफ का होना ज़रूरी है ताकि उसकी बख्शिश की जाए। ठीक है, देखिए अल्लाह पाक बख्शने वाला है, हम उसके नबी की उम्मत है जो उसका आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है, हमें तो किसी चीज़ का डर भी नहीं है। ठीक है तो दोस्तों आते हैं अमल की तरफ। दोस्तों ये 7 मनाजिल हैं कलमा शरीफ की, हर मनाजिल का आपने 1,25,000 मुकम्मल करना है। दोस्तों अगर कोई आप अमलियात वगैरह करते हैं तो आप यकीन करो, अगर कोई आमली ये वीडियो देख रहा है तो आप यकीन करो, अगर आप ये मंजिलें कर लेंगे तो आपकी तमाम तावीज़ात और अमलियात में इतनी तासीर पैदा हो जाएगी, इतनी शिफा पैदा हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक यही कलमा इंसान की बख्शिश का सबब बनेगा।
ठीक है दोस्तों, पढ़ने का तरीका गौर से नोट फरमा लें दोस्तों। एक मंजिल का है 1,25,000। अब इसके 3 टाइम हैं, यानी कि आप 13 दिन की मंजिल रख सकते हैं, उसके बाद 25 दिन की मंजिल रख सकते हैं और 40 दिन की भी मंजिल रख सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप 13 दिन की मंजिल रख सकते हैं, ठीक है। उसकी तकरीबन तादाद रोज़ाना की बनेगी 10,000, यानी आप फ्री हैं बेशक यही पढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद आप 25 दिन की मंजिल रख सकते हैं, 25 दिन में 1,25,000 मुकम्मल करना है। उसके बाद आप 40 दिन की मंजिल रख सकते हैं जिसमें रोज़ाना 3,125 की तादाद होगी। अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो फिर 40 दिन की आप मंजिल रख सकते हैं ताकि साथ साथ ये आपका रूहानियत का प्रोसीजर मुकम्मल होता रहे। तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, आप अपने काम वगैरह से आकर भी ये तादाद मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जब मंजिलें स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने सदका देना है, अपने माँ बाप से दुआ लेनी है और आपने मंजिलें स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने 3 बार दुरूद पाक, 3 बार मुकम्मल कलमा शरीफ, उसके बाद आपने ये तरतीब रखनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर 100वें दाने पे आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है, ठीक है। वैसे आपकी तरतीब रहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह और हर 100वें दाने पे आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है, ठीक है। इस तरह आपने 1,25,000 का जो 1,25,000 की मंजिल है, 1,25,000 की तादाद आपने पूरी करनी है, ठीक है। दोस्तों आते हैं इनकी नियतों की तरफ कि इन मंजिलों की नियत क्या है। दोस्तों पहली मंजिल की नियत ये है, आपने नियत करनी है कि नियत करता हूं निसाब की वास्ते अल्लाह ताला, ठीक है। ये नियत करके आपने कलमा शरीफ का 1,25,000 शुरू कर देना है। 13 दिन वाली मंजिल रखें तब, 25 दिन वाली या 40 दिन वाली, ठीक है। इसका 1,25,000 मुकम्मल करके फिर आपने दूसरी मंजिल स्टार्ट करनी है। दूसरी मंजिल की नियत ये है, नियत करता हूँ ज़कात की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसका आपने 1,25,000 मुकम्मल करना है। उसके बाद आते हैं तीसरी मंजिल की तरफ, ये है तीसरी मंजिल की नियत, नियत करता हूँ उशर की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सवाब बा अरवा पाक हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक और उनकी औलाद पाक को, ठीक है। इसका आप 1,25,000 मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आगे आते हैं चौथी मंजिल की नियत, नियत करता हूँ कुफल की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम न्याज हज़रत मखदूम जहानिया और सवाब बा अरवा पाक तमाम मुसलमानान और उनकी औलाद पाक को, ठीक है। इस तरह इसका 1,25,000 मुकम्मल होगा। आगे आते हैं पांचवी मंजिल की नियत, नियत करता हूँ तोहफा की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम न्याज हज़रत मखदूम जहानिया सवाब बा अरवा पाक जुमलाए सिलसिलाए उज़्ज़ाम सिलसिला चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया अवैसिया मदारिया अलैहिम अजमाइन और उनकी औलाद पाक को, ठीक है। इसी तरह इसका 1,25,000 मुकम्मल होगा। आगे आते हैं छठी मंजिल की तरफ,
ये है छठी मंजिल की नियत। नियत करता हूँ सदका की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सवाब बा अरवा पाक वालिदैन खुद, यानी ये छठी मंजिल आपके अपने वालिदैन के नाम होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आखिरी मंजिल सातवीं मंजिल। दोस्तों ये सातवीं मंजिल ये आपके नाम होगी। ठीक है, सातवीं मंजिल की नियत ये है कि नियत करता हूँ दावत की वास्ते अल्लाह ताला नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम न्याज मखदूम जहानिया और अपनी तमाम मुरादात दीनी और दुनियावी पूरा होने के। दोस्तों ये सात मंजिल हैं कलमा शरीफ की। दोस्तों ये जो आखिरी मंजिल है ये आपके अपने नाम होगी, यानी इस मंजिल की बरकत से आपकी तमाम दीनी और दुनियावी जायज़ मुरादात पूरी होगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, और जो इन चीज़ों में शक करता है वो काफिर होता है। ठीक है, जो अल्लाह पाक के कलाम में शक करता है वो आदमी काफिर होता है, वो मुसलमान नहीं होता है। ये बात याद रखना, उसका ईमान नहीं होता है, क्योंकि ईमान हो तब यकीन होता है अल्लाह के कलाम पर। ठीक है दोस्तों, ये सात मनाजिल आप तय करेंगे आपको ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी रूहानियत मिलेगी, आप ऐसे अल्लाह के करिश्मात देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे नज़ारे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसे ऐसे अंबिया की ज़हरत होगी, ऐसे ऐसे औलिया की ज़हरत होगी, ऐसे ऐसे आप कुदरत के नज़ारे और करिश्मे देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, जो आपके गुमान में भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, जिसने भी ये मंजिलें स्टार्ट करनी हैं उसको जो भी नज़ारे हों, जो भी वो करिश्मे देखे, कभी भी किसी को मत बताए। अगर वो किसी को बताएगा तो उसका फैज़ बंद हो जाएगा और रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो फैज़ आ रहा होता है ना हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस कलमा पाक की बरकत से, देखिए ये चीज़ें बताने की नहीं होती, इसमें रियाकारी आ जाती है। जैसे कि इंसान वो कहते हैं कि नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ी जाए तो वो कबूल नहीं होती है, ऐसे ही आपको इसमें ऐसे ऐसे करिश्मात दिखाए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। इतनी रूहानियत आपको हासिल होगी कि आपका कलब दिल और दिमाग रोशन हो जाएगा, आपका पूरा जिस्म ऐसे गुनाहों से जड़ जाएगा जैसे पत्थर दरख्त से जड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बरकात है इस कलमा शरीफ की, और बेशक यही कलमा इंसान की बख्शिश का सबब बनेगा। दोस्तों ये मंजिलें आपको, ये मंजिलें जो भी करेगा आपको दुनिया में भी कामयाबी देंगी, हर काम में कामयाबी देंगी, और कब्र में भी ये साथ होंगी आपके, और आखरत में भी ये मंजिलें आपके साथ होंगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है रूहानियत हासिल करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।